वो सीरियल बखूबी एडिस के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फायजा हदीका को कहते के हदीका बेटा मैं तो तुम्हारे वजह से ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना प्रियंका वापस चले जाना चाहिए। तो हदीका कहते कि अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, फरहान अगर मुझे यहाँ पर तलाक भेज देगा ना तो अच्छी बात है, वरना मैं अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो फायजा कहते कि हदीका बेटा तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारा बच्चा फिर क्या कहेगा, किसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। तो हदीका कहते कि मैं फिक्र ना करें, मैं अपने बच्चे को खुद उसकी परवरिश कर सकती हूँ, अगर फरहान मेरा साथ नहीं दे सकता, मुझे छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ दे, लेकिन मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, इसके लिए मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वह इसकी माँ कहती है कि हदीका बेटा ऐसा नहीं होता, एक बच्चे को उसके बाप की मोहब्बत की भी ज़रूरत पड़ती है, वो अकेला आखिर कब तक इस तरह रह सकता है, उसको भी अपने बाप की ज़रूरत पड़ेगी, तुम उसको अकेले उसकी परवरिश नहीं कर सकते। तो फिर हदीका कहते कि अम्मी अगर इसका बाबा इसके साथ नहीं रहना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे भी फरहान जो कुछ भी कर रहा है ना वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है और मैं ये सब कुछ ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बारे में आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। तो फिर फैजा कहते हैं कि बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है, इन सब बातों का अंदाज़ा है मुझे, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तुम जहाँ भी रहो अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो फिर हदीका कहते हैं कि अम्मी मैं यहीं पर खुश हूँ, इसलिए मुझे यहीं पर रहने दे, जब तक फरहान खुद मुझे देने नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, और वैसे भी सुल्ताना आंटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, वो मेरे और मेरे बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं। जो सुल्ताना जो होती है वो फरहान के पास आती है, कहती है कि फरहान बेटा तब से हदीका तुम्हारी ज़िंदगी में आई है ना तुम इसी तरह परेशान रह रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह परेशान नहीं दे सकती। तो फरहान कहता है कि अम्मी और क्या करूँ, हदीका की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह गया हूँ। तो फिर सुल्ताना कहती है कि बेटा तुम उसके लिए ना इतना परेशान ना हो, बस अपने ऑफिस जाओ, ऑफिस जाकर अपने काम पर ध्यान दो, हदीका को लेकर तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ कि वो कब तक आखिर अपनी माँ के घर पर रहती हैं। तो फिर फरहान कहता है कि अम्मी मुझे बस अब फिक्र है तो अपने बच्चे की फिक्र है और किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। तो फिर सुल्ताना कहती है कि बच्चे की फिक्र तो मुझे भी है, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है और उस चीज़ की फिक्र मुझे है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, अब वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई है तो मैं उसको वापस भी नहीं लाना चाहती, इसलिए वो अपनी मर्जी अगर करना ही चाहती तो कर सकती हैं। तो फिर फरहान कहता है कि अम्मी मैं भी उसको अब देने के लिए नहीं जाऊँगा, ना ही उसकी कोई कौल और ठाड़ा, अब वो जो उसका दिल करता है वो करें।